ओम खम ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 2। ओम यत्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणम् बृहस्पति मे तद्दधातु शम्नो भवतु भुवनस्य यः पतिः। ये भी बहुत सीधा सरल मंत्र है, शब्द भी हमारे परिचित हैं, तो भाषा की तो कोई कठिनाई नहीं है। ओम यत्मे छिद्रम चक्षुषु, कह रहे हैं यत अर्थात जो, मे मेरा, छिद्रम छिद्र, छिद्र का शाब्दिक अर्थ तो हम सब समझ ही रहे हैं। यहां इस छिद्र का क्या भावार्थ हो सकता है, संभवतः बताने की आवश्यकता नहीं, ये भी सब समझ लेंगे। जो भी हमारे छिद्र हैं, स्वाभाविक है इसका भाव यही है, दोष दुर्बलताएं, जो भी हम में न्यूनताएं हैं, उसी को छिद्र कहा जा रहा है ना। यत में छिद्रम, जो मेरा छिद्र चक्षुषो, चक्षु का, जो चक्षु का छिद्र है अर्थात हमारे चक्षु में जो भी दोष दुर्गुण हैं। अब चक्षु क्या है समझते चलें तो अच्छा है। चक्ष धातु का अर्थ देखना और कहना दोनों है। चक्षुषो एक शब्द में संभवता दोनों बात कह दी गई, देखने में और कहने में। जो कुछ हम देखते हैं उसमें क्या दोष है, और जो कुछ हम कहते बोलते हैं उसमें क्या दोष है, उसे हमें जानना। जी यहां भी कहा गया है मेरा, जो छिद्र है दोष दुर्गुण है वो मेरा, वो हमारा नहीं। हम किसी और में दोष दुर्गुण की बात कैसे कर सकते हैं, ये तो अनुचित है। हम दूसरों के दोष नहीं देख सकते, हम दूसरों के दोष नहीं गिना सकते, दोष तो हमें अपने ही देखने हैं। दूसरों के गुण देखिए, दोष अपने देखिए, यही वैदिक संस्कृत है, इसी में हमारा हित है। अपने दोष देखेंगे उसे दूर करेंगे तो हम दोष मुक्त हो जाएंगे, दूसरों के गुण देखेंगे उसे ग्रहण कर लेंगे हम गुणवान हो जाएंगे, अपने दोष नहीं देखेंगे तो वो दोष बने रहेंगे, दूसरों के दोष देखेंगे वो दोष और हम में आ जाएंगे तो हम दोष युक्त होते चले जाएंगे। इसलिए वेद कह रहा है यत में छिद्रम, जो मेरा छिद्र है, जो भी छिद्र दोष दुर्गुण है वो मेरा, वो किसी और का बिल्कुल नहीं। चक्षुषो, चक्षु का अर्थात दृष्टि का और वाणी का, हमारी दृष्टि में दोष हो सकता है, यही इसे कहा जाता है अध्यात्म में दोष दर्शन, बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा दोष है दोष दर्शन। वही बात, दूसरों में दोष देखना यह अध्यात्म में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है, बहुत बड़ा दुर्गुण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति में ये दुर्गुण है कि वो दूसरों के दोष देखता रहता है, तो मान लीजिए वो अध्यात्म पथ पर तो आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है वो सांसारिक सफलताएं प्राप्त कर ले, परंतु अध्यात्म के लिए तो वो व्यक्ति नहीं है जो सदैव दूसरों के दोष देखता रहता है। दोष दर्शन बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो कह रहे हैं हमारे चक्षु में अर्थात हमारी दृष्टि में जो भी दोष हो, इस तरह से जो दूसरों में हम दोष दुर्गुण देखते हैं, जो चीजें नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम देखते हैं या देखना चाहते हैं जो नहीं देखना चाहिए, वही बात, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या उनका है, हमें क्या भाई लेना देना, हमें तो अपने जीवन से मतलब, हमें तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो अनुचित बातें जो हम देखते हैं, देखना चाहते हैं वो न देखें, ये एक प्रकार का छिद्र या दुर्गुण है। और वाणी बोलने में जो दोष है, हम अब
शब्दों का प्रयोग करें, कठोर शब्दों का प्रयोग करें, सत्य को असत्य कहें, असत्य बोलें, किसी के अनेक गुणों की अवहेलना उपेक्षा करके उसके कुछ काल्पनिक या वास्तविक ही सही किसी व्यक्ति से जीवन में एक दो भूल हो गई है छोटी मोटी, हम उन भूलों की ही चर्चा करते रहें। वो महान व्यक्ति है, उसने अनेक महान कार्य किए हैं, उसकी ओर हम न देखें, केवल हम उसकी निंदा करने के लिए एक दो दोस्त यहां वहां से खोज लाएं कि नहीं देखिए इन्होंने तो ऐसा भी किया था। तो यह वाणी का दोष है, ये वाणी का छिद्र है। हम असत बोलते हैं, ये वाणी का छिद्र है। तो कह रहे हैं यत में छिद्रम चक्षुषो, चक्षु में दृष्टि भी और वाणी भी दोनों आ गए। जो हमारी दृष्टि का और वाणी का छिद्र अर्थात दुर्गुण है वो, और हृदयस्य, हृदय का, अभी तो कहा चक्षुषो अर्थात चक्षु का, वाणी का और दृष्टि का, अब कह रहे हैं हृदय का, हृदय का भी तो दोष हो सकता है, हृदय में भी तो छिद्र हो सकता है। हृदय का अर्थ क्या है? हमारी भावना विचार, अगर तो वही दोष युक्त है तब तो दृष्टि में वाणी में हरेक में दोष दुर्गुण होने ही होने हैं। तो हृदय हमारा निर्मल हो, स्वच्छ हो, उसमें कोई दोष दुर्गुण ना हो, हृदय में कोई छिद्र ना हो। उसके पश्चात कह दे रहे मन सो, मन का, मनसा अर्थात मन का, मन का अर्थ है, मन धातु का अर्थ है विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। तो जो हमारा मनन है, विचार है, वो भी दोष मुक्त हो, छिद्र मुक्त हो, उसमें कोई छिद्र ना हो। देखिए अभी तक ये कहीं नहीं कहा गया है ना हो, अभी तो इतना ही बता रहा है वो कि यत में छिद्रम चक्षुषो, यत में छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वा, जो मेरा छिद्र चक्षु का अर्थात दृष्टि और वाणी का है, जो मेरा छिद्र हृदय का है, मनसो वा अथवा मन का है, अति त्रेणम, वो अति, अति तो अव्यय है, विस्कार अति अधिक बहुत हम सब जानते हैं। त्रणम क्या है? त्रणम में तृण धातु माने तो तृण का अर्थ खाना भी है, शब्द करना है, अंकुरित होना है। जी तृण हम लोग कहते हैं तिनका, घास क्यों कहते हैं? खाई जाती है ये तृण, घास खाने के लिए उगती है, बहुत से पशु प्राणी उसे खाते हैं, वो खाने के लिए ही उगती है और उसका कोई उपयोग विशेष नहीं, मुख्य उपयोग तो वही है, औषधि रूप में तो हम सब कुछ प्रयोग कर लेते हैं, अलग विषय है। मनुष्य तो घास नहीं खा सकता जी, ये तृण घास मनुष्य नहीं खा सकता, बहुत से प्राणी नहीं खा सकते, लेकिन बहुत से प्राणी खाते हैं, उनके लिए मुख्य भोजन है। तो तृण का अर्थ खाना भी है, शब्द करना और अंकुरित होना भी। तृण में ये भाव, जो कुछ अंकुरित होता है वो, जो तृण जब अंकुर फूटेगा तो अंकुर वो तृण ही लगेगा, घास जैसा ही लगेगा, उसको भी तृण कहते हैं। जो अंकुर निकलता है, अंकुरण को भी तृण कह सकते हैं। तृण धातु का अर्थ अंकुर होना, अंकुरित होना भी है, खाना भी है और शब्द करना। वह अति त्रणम कह रहे हैं, मेरा जो छिद्र चक्षु अर्थात दृष्टि और वाणी का है, जो हृदय अथवा मन का है, और अति त्रणम जो अत्यधिक खाने का है, ऐसा भी कह सकते हैं, जो अत्यधिक छिद्र खाने में हमारे भोजन में है, वाणी में है, यहां भी शब्द करना आया है तो वाणी कह सकते हैं, अंकुरण भी कह सकते हैं। क्या हम उगाते हैं, चाहे भौतिक रूप से खेत में कृषि में उगाना कहें, या हमारे विचार भाव का उगाना, अंकुरित होना कहें, इसमें जो छिद्र है उधर भी ध्यान दें। यहां पर चाहे तो कुछ लोग विस्तार से व्याख्या करके इस तृण शब्द का अर्थ, तृण धातु का अर्थ खाना भी है, तो यहां पर खाने की ओर भी संकेत कर सकते हैं, क्या भाई हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
जी हाँ, वो विचार तो करना ही पड़ेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो वो ही खाना है। स्वास्थ्य के प्रतिकूल भोजन करेंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो जो हमारे खाने में, भोजन करने के स्वभाव में, भोजन में जो भी छिद्र हैं, दोष दुर्गुण हैं, अब तक तो दोष दुर्गुण गिनाए। इस मंत्र के दो चरणों में हमको यही बताया गया, यत में छिद्रम चक्षुषो हृदय से मनसो वा अति तृणम, कह रहे हैं कि जो मेरा छिद्र चक्षु का, वाणी का, दृष्टि का है, हृदय से मनसो वा मन का अथवा हृदय का अथवा मन का है, अति तृणम अत्यधिक खाने का, भोजन का, अंकुरण का, शब्द का है, बहुत अधिक बोलने का है, चाहे तो ऐसा भी कह लें, बृहस्पति में तद्दधात। कह रहे हैं बृहस्पति जो बृहत का भी अधिपति है, इस सृष्टि में बड़ा से बड़ा, बृहत से बृहत जो कुछ हो सकता है, उसका भी जो अधिपति है वो परमेश्वर परमात्मा ही है। तो जो बृहस्पति है, जो बड़ों बड़ों का अधिपति है, कह रहे हैं मेरा तत् वह दधातु धारण करे। जो दोष दुर्गुण मुझ में हैं, हे बृहस्पति, हे बड़ों बड़ों के अधिपति परमेश्वर, उसे तो आप धारण करें, हमसे अलग करें। जो कुछ दोष दुर्गुण हम में ये सब हैं, जो भी हमने बताए, ये सब हमसे अलग करके इसे आप धारण करें। तो सृष्टि में जो कुछ है वो कहीं ना कहीं रहेगा, अब उसे कहाँ रखना है आप जाने, हमारे पास से जाए। बृहस्पति में तद्दधातु, वह बृहस्पति मेरा वह दोष दुर्गुण वह छिद्र धारण करे। और जब उन छिद्र से, अर्थात दोष दुर्गुण से हम मुक्त हो जाएंगे, तब क्या होगा, अंतिम चरण में वो फल प्राप्ति होगी। कह रहे हैं समनो भवतु भुवनस्य यः पतिः, तब क्या होगा, सम अर्थात शांतिमय, कल्याणकारी, नो हमारे लिए भवतु हो, कौन, भुवनस्य यः पति, भुवनस्य भुवन का, भू धातु का अर्थ होना, भुवन का अर्थ जो कुछ होता है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का यह जो पति ही अधिपति है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, भुवनस्य यः पति, जो इस भुवन का, संपूर्ण सृष्टि का पति अधिपति है, सम नो भवति, वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। वह बात यहां कितने उत्तम प्रकार से व्यक्त हो गई इस मंत्र में, सम नो भवति, वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। पहले क्या कहा, यत मे छिद्रम, जो छिद्र है, दोष दुर्गुण है, वो मेरा, वो हमारा नहीं, जो दोष दुर्गुण छिद्र है वो मेरा, उसे हे परमेश्वर वो मेरा छिद्र दोष दुर्गुण आप धारण करो, हे बृहस्पति उसे आप धारण करो, हमारे से दूर हो। और जब दोष दुर्गुण दूर हो जाए तब क्या करो, सम नो भवतु, हमारे लिए कल्याण हो। कल्याण केवल अपने लिए नहीं मांगा, यहां मैं नहीं कहा, यहां नो कहा। यतमे छिद्रम, जो छिद्र है वो मेरा है, वो दूर हो जाए, अपने दोष दुर्गुण दूर हो, ये हम चाहते हैं, और हमारे तो दोष दुर्गुण हो, दूर हो जाए, उसके पश्चात समनो भवतु, हमारा कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, हम सबके लिए कल्याणकारी हो। भुवनस्य यः पतिः, जो संपूर्ण भुवन सृष्टि का अधिपति है, वह परमेश्वर हमारा कल्याण करे, हम सबका कल्याण करे, यही हमारी भावना है, मेरे दोष दुर्गुण दूर हो और हम सभी का कल्याण हो। इस मंत्र की कितनी सुंदर भावना है, दोनों बातें स्पष्ट हो गई कि मेरे दोष दुर्गुण दूर हो और हम सबका कल्याण हो। हम अपनी चर्चा को यहां विराम देते हैं, अब आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।
आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न ये था कि मेरे दुर्गुण दोष दूर हो यहाँ तक तो ठीक समझ में बात आती है, बट आप धारण करें ये बात थोड़ी सी समझ से परे है। फिर हम कहते हैं कि भाई हमें ईश्वरी गुण प्राप्त हो, तो जब दोष वो ईश्वर के अर्पण कर देंगे तो फिर वो दोष फिर वापिस हम लेंगे क्या? तो ये तो थोड़ा सा विपरीत भाव नहीं हुआ कि आप भी ईश्वरी गुण धारण करो? हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, ईश्वर के जो 24 गुण दर्शाए हैं आप धीरे धीरे करके एक एक अपने जीवन में उतारो, तो जीवन में धारण करो, अपना जीवन एकदम स्वस्थ बनाओ और मतलब आत्मा को पवित्र बनाओ। तो अब ये गो इसको आप धारण करो तो थोड़ी सी स्वार्थ की भावना भी झलक रही है, और वो हमारे दोष वो धारण करके वो वापिस फिर हम वो दोष धारण करेंगे। ये थोड़ा सा इसको क्लियर कराए ना थोड़ा सा प्लीज। ठीक बात है, यहां धारण करने का भाव थोड़ा सा हमें समझना होगा। हमने ये कहा ये दोष दुर्गुण हमारे लिए तो भार है, हमारे लिए तो बोझ है, हम इससे सरलता से मुक्त नहीं हो पा रहे, हमारे बस में नहीं है भैया, इसे आप संभालो, आप सक्षम हो, आप समर्थ हो, आप इसको हमसे ले लो, फिर कहां फेंकना है वो आप जानो, हमारे बस का नहीं था, तभी तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता पर प्रयास कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इनसे मुक्त करो, इसे हमसे ले जाओ, वही तो हमने कहा। और यह सृष्टि गुण दोष में, ये तो सभी कहते हैं, इस सृष्टि में गुण दोष है वो रहेगा। इसमें एक बात और है, हमारे लिए जो दोष है वो किसी के लिए गुण है, ये भी ठीक बात है। जो हमारे लिए गुण है वो किसी के लिए दोष हो सकता है। तो इस सृष्टि में विविध जो सृष्टि है, विविध प्रकार की सृष्टि है, विविध गुण कर्म स्वभाव की जो सृष्टि है, सबकी आवश्यकताएं हैं, तो जो जहां उचित है वहां पहुंचाओ। जैसे कहते हैं शेर सिंह बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। आप सोच के देखिए, एक मुहावरे में लोकोक्ति में हम लोग कहते हैं कि सिंह बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा, सिंह तो घास नहीं खाएगा चाहे जितना भूखा हो, वो भूख से मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वो जब भी खाएगा किसी दूसरे पशु को मारकर खाएगा। क्या करे, सिंह शब्द का अर्थ ही हिंसक होता है, हिंसा करना, सिंह धातु का अर्थ ही हिंसा करना है। ये भी तो परमेश्वर ने बनाया है, ये भी तो प्रकृति की एक व्यवस्था है कि यदि हिंसा करना, मांस खाना प्रकृति को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होता तो कहीं भी मांसाहारी प्राणी होते ही नहीं। अब प्रकृति ने बनाया है, हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति में है, प्रकृति ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, जो भी मान लीजिए भाई तो आए, उनको घास खाने की सुविधा ही नहीं दी गई, उनके शरीर में घास खाने पचाने की व्यवस्था ही नहीं है, उनको ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि वो दूसरे प्राणी को ही मार के खा सकते हैं तभी वो जीवित रह सकते हैं, नहीं दूसरे को खाएंगे तो खुद मरेंगे। अब ये व्यवस्था प्रकृति ने क्यों बनाई? अब यदि कहा जाए अहिंसा बहुत अच्छा गुण है, शाकाहार बहुत अच्छा गुण है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, हमारे लिए तो बिल्कुल सही है। अब ये उपदेश यदि आप हम जाकर के सिंह चीते को व्याघ्र को दे आए तो सारे के सारे सुधा मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। तो गुण और दोष स्थिति के अनुसार भी होते हैं। ये भी कहा गया है कि परिस्थिति के अनुसार कोई कहीं दोष है कहीं गुण बन जाता है, कहीं गुण है कहीं दोष बन जाता है, तो उसकी बहुत व्याख्याएं बहुत पुस्तकों में बहुत प्रवचनों में आप लोगों ने भी सुना पढ़ा होगा, उसकी कितनी चर्चा करेंगे तब तो फिर प्रभात हो जाएगा। तो इस भाव से समझें कि निरपेक्ष रूप से कुछ भी कह पाना सृष्टि में बहुत कठिन है, विशेष परिस्थितियों में विशेष गुण दोष होते हैं, तो जो गुण स्वभाव जिसके लिए उचित है वहां पहुंचाए ये परमेश्वर का दायित्व है, वो तो हम नहीं जानते, वो हम ना कर पाएंगे, तो हमारे लिए जो उचित है, हमारे लिए जो गुण है वो हम ग्रहण करें, हमारे लिए जो छिद्र है दोष है वो हम दूसरे को अपने पास से त्याग कर दें, परमेश्वर उसे धारण करे अर्थात ले जाए, हाँ ये अर्थ होता है, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये दधातु का बहुता अर्थ वेद में आप देखेंगे, देने के अर्थ में भी प्रयोग होता है,
धा धातु का सामान्य अर्थ धारण करना है। वेद में ये देने के अर्थ में भी बहुत आता है। वो कहता है मेरे लिए, नो धातु, हमारे लिए दीजिए का अर्थ हो जाता है, हमारे लिए धारण करो, हमारे लिए दीजिए का अर्थ भी होता है, बहुत से मंत्रों में मिलेगा। तो दधातु कह सकते हैं वेद में बहुवर्ती धातु के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहाँ धारण करे का अर्थ यही है कि हमसे ले जाइए, दूर कहीं से कर दीजिए, और मेरे लिए दीजिए का अर्थ ये भी हो जाता है कि मुझे प्रदान कीजिए, मुझ में धारण कीजिए, ऐसा कह सकते हैं, कह देते हैं, कई मंत्रों में आएगा, मैं दधातु मुझ में धारण कीजिए, मुझे दीजिए का अर्थ होता है। तो इस प्रकार के भाव के प्रयोग हैं। जैसा कि हमने कहा कि वेद सुंदर काव्य है और काव्य में इस प्रकार के भावना के अनुसार प्रयोग शब्दों के भावार्थ होते हैं, उसका हमें आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, अब स्पष्ट हो गया, आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ें। ओम। स्वामी जी अतित्रणम का अर्थ क्या ये कर सकते हैं, अत्यधिक लोभ करने वाला, और बृहस्पति का अर्थ क्या ये कर सकते हैं, आकाश, आकाश तत्व। ये घुमाकर दूर की कौड़ी लाने वाली बात है कि भाई हम जो कहना चाहते हैं उसे शब्द पर ठूसे। हमने आपको क्या सिखाया बताया, बृहस्पति का शाब्दिक अर्थ है बृहत का अधिपति, जो ब्रह्म बड़ा है उसका अधिपति बृहस्पति, सौरमंडल का एक ग्रह है उसे बृहस्पति कहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति जो बड़ों बड़ों का अधिपति है वो परमेश्वर है। और तृणम में तृण का अर्थ भोजन करना तो है, अब भोजन करने को लोभ से जोड़ने, हर प्रकार का भोजन जो भी हम चाहते हैं उसको लोभ से जोड़ दें, तो व्याख्याकार प्रवचन के विस्तार में तो कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मंत्रार्थ आदि में नहीं कहेंगे। ये ध्यान रखें, पदार्थ मंत्रार्थ जैसे में तो हमें जो शाब्दिक अर्थ है वो लेना होगा, और जैसे जो हम व्याख्या विस्तार करते हैं तो वो तो हम लोग विस्तार से कर ही देते हैं, वो तो ब्रह्म भी हो सकता है, बहुत सी बातें कह देते हैं, दूसरे भी कह सकते हैं। जी ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ किसी को कुछ कहना हो तो अवश्य बोलिएगा। ये वेदाष्टक पाठ अब काफी अच्छा होने लगा है, तो जो हमने कहा था तो प्रयास करें, विशेष रूप से मैं कहूंगा आरती जी और लोग भी अच्छा ही कर रहे हैं बहुत लोग, तो प्रयास करें वेदाष्टक का वीडियो बनाएं, अपना अपना सब लोग बनाएं और उसको प्रचारित करने का प्रयास किया जाए, किसी माध्यम से वेदाष्टक वेद मंत्र लोगों तक पहुंचेंगे तो अच्छी बात होगी। तो बताएं किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रखें, अन्यथा समापन किया जाए। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया हृदय से मनसो, तो यहाँ पर हृदय का भी है मन का भी है, तो हृदय में भी भाव है मन में भी मन विचार है, तो दोनों बातें एक ही नहीं हो गई? ठीक बात है, इसीलिए शायद मंत्र में भी आपकी इस बात को समझते हुए ही कहा गया है हृदय से मनसो वा, हृदय का अथवा मन का। उसने मान लिया हृदय और मन एक ही है, तो उसने कहा हृदय का अथवा मन का जो आप चाहे समझ ले। हम लोग कहते हैं भाई हमारे हृदय में यह भाव है, हमारे मन में ये विचार है, सामान्यता हम लोग बोलते हैं, तो वो वैदिक भाषा का वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग है। ये मेरा ध्यान गया था तो हमने कहा भी था हृदय से मनसो वा, हृदय का अथवा मन का। ये वा जो आया है वो अथवा या के अर्थ में ही आता है, और जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत भाषा का ये है कि चा और के अर्थ में, वा अथवा के अर्थ में, ये दो शब्दों के बाद आता है, जबकि आधुनिक भाषाओं में हम बीच में प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने कहा बालक और बालिका, वहां बालक बालिका चा कहा जाएगा, यही अथवा के लिए भी है, बालक बालिका वा कहा जाएगा, बालक अथवा बालिका। हिंदी में लोक भाषा में हम कहेंगे बालक या बालिका, संस्कृत में कहेंगे बालक बालिका वा। तो यहां पर वही कहा गया है हृदय से मनसो वा, हृदय का अथवा मन का,
जो भी आप कह लें एक ही बात है, आपकी बात भी ठीक है और मंत्र भी संभवतः यही कह रहा है। ओम धन्यवाद स्वामी। तो आज इस सत्र को यहाँ पर विराम दिया जाए। कल सायंकाल वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम नमस्ते सभी को।